नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता था, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। स्टॉक की बात कर लेते हैं, रिलायंस नवल। अगर इस शेयर की बात करें तो आप देखेंगे 214 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जबकि 52 वीक लो की बात करें तो आप देखेंगे 95 रुपीज़ का इनका 52 वीक लो है। 52 वीक हाई की बात करते हैं, 4 रुपये 30 पैसे का 52 वीक हाई रहा, यानी कि 95 पैसे वाला ये शेयर 4 रुपये 30 पैसे तक गया था। ग्रोथ तो अच्छी थी, बट क्या वहाँ पर स्टेबल हो पाया, वहाँ से लगातार गिरावट तो नहीं आ रही है, उसकी बात कर लेते हैं। तो उससे पहले कुछ और डिटेल देख लेते हैं। अगर डेप्ट की बात करें तो आप देखेंगे 12,906 करोड़ का इनके ऊपर डेप्ट है, यानी डेप्ट की क्वांटिटी बहुत बड़ी है। अगर कैश की बात करें तो कैश भी माइनस में चल रहा है, तो यानी कि कंपनी के पास कुछ खास कैश भी नहीं है। तो दोस्तों, और डिटेल देखते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। अगर बात करें इंडस्ट्री पी की, तो आप देखेंगे 12.1 पे है, जबकि इनका अगर पी की बात करें तो वो माइनस में चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं इनकी हालत थोड़ी सी टाइट लग रही है। तो दोस्तों, और डिटेल देखते हैं। अगर CAGR लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी, तो अगर स्टॉक प्राइस के CAGR की बात कर लेते हैं तो देखेंगे 10 साल में -28% का रिटर्न, 5 साल में -47% का रिटर्न, 3 साल में -58% का रिटर्न, 1 साल में 41% का रिटर्न पॉजिटिव में, लेकिन 3 साल, 5 साल, 10 साल, दोस्तों जिसका लॉन्ग टर्म का अगर हिस्ट्री ही ख़राब हो तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। और डिटेल देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो सके। देखेंगे दिसंबर 2017 में प्रमोटर्स के पास 30.70% का होल्डिंग था, इन करेंट में 0.00, यानी सारा प्रमोटर्स खुद ही माल बेचकर भाग चुके हैं। तो जब प्रमोटर्स खुद ही अपना माल बेच रहे हैं तो क्या और किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो खुद ही डिसाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो और डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, और डिटेल देखेंगे तो आप देखेंगे रेवेन्यू जो कि लगभग जीरो होता ही जा रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो बहुत ही दूर की बात है, बहुत बड़ा इन्हें लॉस हो रहा है, यानी कंपनी हमेशा से लॉस में ही चल रही है। पिछले 4 साल का हमने डेटा देख लिया, तो देख लेते हैं आज क्या चल रहा था कंपनी में। तो दोस्तों, आज की बात करें तो 3 रुपये पर ये शेयर क्लोज हुआ है। अगर ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे 3.45% की ग्रोथ दिखा रहा था आज के डेट में, यानी कंपनी में फिर से खरीदारी स्टार्ट हुई है। तो देख लेते हैं बाकी डिटेल क्या कहता है। 52 वीक हाई 1 सितंबर 2020 को बना था, यानी लास्ट ईयर बना था। 52 वीक लो की बात करें तो आप देखेंगे 29 मई को बना था, इस टाइम ये शेयर 3 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर देखेंगे चार्ट कि चार्ट क्या कहता है, दोस्तों चार्ट पे देखेंगे तो बहुत पहले ये शेयर ओवरबॉट हुआ था, उसके बाद से इसमें नॉर्मल चल रहा है, यानी ओवर सोल्ड भी नहीं है, ओवर बॉट भी नहीं है। तो देख लेते हैं कि चार्ट क्या कहता है, क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है, तो नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ खतरों के खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं। तो क्या उनको खतरा लेना चाहिए, लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है तो इस शेयर को अगर अभी आप ख़रीदते हैं तो शायद थोड़ा महंगा आपको देखने को मिल जाएगा। इस शेयर को 2.80 रुपये के आसपास जाने दीजिए, ये शेयर उसके भी नीचे जाने वाला है, तो वहाँ पे आप खरीद सकते हैं ताकि आपको अगर इसमें थोड़ी बहुत भी ऊँचा गिरा ऊँची भागे, यानी तेज़ी देखने को मिले, तो इस शेयर में आपके पैसे बन सकें। अदरवाइज़ इस शेयर से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्ट है, प्रमोटर्स सारा माल बेच कर निकल चुके हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है इस शेयर में जिसकी वजह से इसको ख़रीदारी की जा सके, कोई ऐसा रीज़न ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर ख़रीदारी अगर आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं ऊपर कहीं 4 रुपये 3 रुपये के आसपास, तो मुझे लगता है कि इसमें आप एग्जिट का मौका ढूंढें और एग्जिट हो जाएं तो बेटर है, क्योंकि किसी डेब्ट फ्री कंपनी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आपका हाँ कैपिटल थोड़ा सेफ हो सकता है, बट ये कंपनी कब गिरना स्टार्ट कर दे और कोई भरोसा नहीं है, और अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो शायद संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इनमें जब प्रमोटर्स ही नहीं है तो कहाँ से ये कंपनी संभल सकती है, डेब्ट इतना ज़्यादा है तो आप खुद ही सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।